फ्रेंड्स, मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके नाम से उस प्रोडक्ट को जाना जाता है। इसी में से एक है बिस्लरी, जिसे सीधे उस कंपनी के नाम से ही खरीदा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर बिस्लरी की क्या कहानी है और बिस्लरी की शुरुआत कैसे हुई, जो भारत में एक अच्छा बिजनेस कर रही है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, बिस्लरी की शुरुआत इटली के बिजनेसमैन सिग्नोर फेलिस बिस्लरी ने की थी। उस समय बिस्लरी की शुरुआत दवाइयाँ बनाने के लिए की गई थी, लेकिन 1921 में सिग्नोर फेलिस की डेथ हो गई, जिसके बाद उनकी फैमिली डॉक्टर रोशी इस कंपनी के मालिक बन गए और उनके दोस्त सन खुशरू भी इनके साथ जुड़े और उन्होंने मिलकर भारत में बिस्लरी की शुरुआत की। उस समय चार चौहान भाइयों के पार्ले समूह का बंटवारा हुआ था, जिनमें से पहले बेटे को सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार मिला था और दूसरे बेटे ने साल 1969 में बिस्लरी को इस मकसद से खरीद लिया था कि वो सॉफ्ट ड्रिंक को सोडा बॉटल में बदलेंगे। लेकिन इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक के कारोबार को कोको कोला कंपनी को बेच दिया और फिर इन्होंने अपना ध्यान पानी बेचने में लगाया और इस तरीके से ये कंपनी और भी आगे बढ़ती गई और आज ये कंपनी पानी बेचने के मामले में सबसे आगे है और भारत में रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पीने लायक पानी बिस्लरी के जरिए बिक रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।